हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं टैगोर कोचिंग के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि टैगोर कोचिंग राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का इकलौता ऐसा एकेडमी है जो जब से चला है तब से लेकर आज तक सर्वाधिक सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड अपने नाम पर रखता है। इसी चैनल की एक बेहद खूबसूरत बेहद शानदार शुरुआत है डिफेंस के लिए ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस। तो इस शुरुआत की पहल हम लोग डिफेंस की इंग्लिश से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए में सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो दो सब्जेक्ट होता है, एक इंग्लिश दूसरा मैथ। तो बात आज हम लोग करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश आप सभी को पता है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम्स में जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट है और इंग्लिश सिर्फ प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब एसएसबी के लिए आप जाएंगे तो आपको एसएसबी का मैक्सिमम पार्ट, चाहे वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, चाहे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो, चाहे थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट हो, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे आपका लेक्चरेट हो, आपको हर जगह यहां तक कि स्टोरी राइटिंग में भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एनडीए में श्योर सिलेक्शन के लिए इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज इंग्लिश के बेसिक इंफॉर्मेशन के, क्योंकि इंग्लिश का जो पार्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट में ऑलमोस्ट 1/4 है और एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंग्लिश पर अच्छे से कमांड करें तो एनडीए के सिलेक्शन का रास्ता इंग्लिश से होकर जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 350, 375, 400 और 425 पर एसएसबी के लिए कॉल हो जाता है और इसमें 200 मार्क्स 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। अगर इसमें हम 188, 45+ अगर स्कोर करे तो तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्तों, मेरे चैंपियंस। इसलिए सबसे पहले अगर हम इंग्लिश में 45 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश को समझना पड़ेगा कि इंग्लिश के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और क्या यह मुमकिन है इंग्लिश में 45 प्लस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है और उसके लिए तो बिल्कुल मुमकिन है जो पत्थर चट्टान जैसे इरादे रखते हैं। तो जो चट्टानों वाले इरादे वाले हैं, जो पत्थर वाले इरादे वाले हैं, वो बच्चे, वो चैंपियंस, वो शेर, वो टाइगर सामने आए, क्लास ज्वाइन करें और इंग्लिश को 45 प्लस दिमाग में रखते हुए उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो अभी अभी एग्जाम हुआ है, इसमें जैसे क्वेश्चंस आए हैं इसको हम लोग पहले एनालाइज करें, शुरुआत करते हैं दोस्त। और शुरुआत करते से पहले एक बेहतरीन कोट के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए कोट क्या है उसे देखते हैं। The expert in anything was once a beginner. The expert in anything was once a beginner. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आज के खिलाड़ी है, जो आज शीर्ष पर है, वो कभी ना कभी नव सुखवे थे, अनारी थे। तो जो आज अनारी है वो कल का खिलाड़ी है। इसलिए हम अगर अनारी हैं, अगर हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो ये कोई दुख चिंता परेशानी की बात नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत हम हमेशा नन्हे नन्हे कदमों से करते हैं और फिर माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर लेते हैं। इसलिए शुरुआत करना बिल्कुल सही पहल है, ये डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है, शुरुआत होनी चाहिए। तो एक्सपर्ट होने के लिए पहला कदम है बिगिनर होना। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल एबिलिटी टेस्ट
अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके टोटल क्वेश्चंस जो है वो है 150, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो मार्क्स है, मार्क्स इन टोटो, इन टोटो जो एडियम है इसका मतलब तो टोटल, तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 600। तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है उसको कितने हमारे पास क्वेश्चंस है इंग्लिश के, तो ये भी सबको पता हो, और जिसको पता नहीं वो जान ले कि जो 150 क्वेश्चंस हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे 50। हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे दोस्तों, 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 मार्क्स। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, टारगेट क्या हमारा दोस्तों, टारगेट है 45 प्लस, 45 प्लस मींस 180 से नीचे सोचना भी गुनाह है। यहां पर मैं अब हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम उनकी एक बात मैं बताऊं, जो जिस लायक है अगर उससे छोटे सपने देखता है तो छोटे सपने देखना भी गुनाह है। आप इस लायक हैं कि आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो आप इससे कम का सोच भी नहीं सकते। अब हमें करना क्या है, कैसे हम 45 प्लस ला सकते हैं, किस जगह पे कैसे काम करते हैं, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं फिर बात करते हैं। तो जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उसको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है वोकैबुलरी, वोकैब शॉर्ट में कहा हमने। दूसरा कैटेगरी है ग्रामर, ग्रामर। और थर्ड कैटेगरी है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ। तो कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग कई चीजों को शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एक एक करके देखते हैं कि इंग्लिश के जो ये 50 क्वेश्चन है ये 3 सेक्शंस में कैसे डिवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट, तो पहले वोकैब की बात करते हैं। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस बिलोंग टू वोकैब। जो 50 क्वेश्चन है हमारे पास उसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो वोकैब के हैं। कितने, 15। इस 15 को भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी, सिनोनिम्स 5 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेज 5 क्वेश्चंस, एंड एंटोनिम्स अपोजिट 5 क्वेश्चंस, दैट मींस 15 क्वेश्चंस। ये 15 क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों ये वोकैब का पार्ट। इसके बाद क्या है, ग्रामर, ग्रामर के क्वेश्चंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने, तो पहला वर्ड क्लासेस, बेसिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है एक सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, ये क्वेश्चन होता है 5, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के जिसको सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से पूछ। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब हुआ कि हाफ सेंटेंस दिया हुआ है और हाफ आपको कंप्लीट करना है जो ऑप्शंस में, समझ आ रही मेरी बात। अब इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए। ये हमारे टॉपिक है टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, डिग्री, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग, नाउन, आर्टिकल, सिंटैक्स और एडवर्ब। हालांकि ग्रामर में इतने ही चैप्टर नहीं, और भी कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन ये वो चैप्टर्स है जिस पर कंप्लीट कमांड अगर हो तो सेंटेंस कंप्लीशन का काम आप अच्छे से कर सकते। तो ये हुआ आपके ग्रामर का पार्ट। थर्ड पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। आप सबको पता है कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो है वो कॉम्प्रिहेंड से निकला है,
कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। तो इंग्लिश की जिसको समझ है उसके लिए क्वेश्चन है, और इंग्लिश की समझ के लिए इससे पहले दो चीज पर डिस्कशन हुआ, वोकैब और ग्रामर। मतलब जिसका वोकैब और ग्रामर ठीक नहीं है उसको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन को अगर ठीक से करना चाहते हैं तो आपको यू मस्ट फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैब। तो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने? थ्री। पैराग्राफ जिसको नॉर्मली लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रामर के अगर कुछ बेसिक रूल्स को आप जानते हैं तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस ये बहुत आसान होगा। और फिर क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए ग्रामर और वोकैब की सटीक जानकारी चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जिसका अच्छा है कॉम्प्रिहेंशन में तो वो है ना। तो पैराग्राफ के कितने क्वेश्चन होंगे? 5। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन कितने होंगे? 5। और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कितने होंगे? 10। तो पूरे ग्रामर के क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड करें तो 15 वोकैब, 15 प्योरली फ्रॉम ग्रामर, एंड 20 कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों के रोल होंगे, और जो आपके पैराग्राफ, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और क्लोज टेस्ट में डिवाइड होगा। ये अभी जो 2 या 3 बार से एनडीए का एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसके मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं। इससे पहले जो एग्जाम थे उसमें कुछ डिफरेंस था, और उस चीजों को भी जब हम प्रिपरेशन करेंगे उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। मैं एक चीज और बता दूं, ये जो पैटर्न अभी एनडीए ने फॉलो करना शुरू किया है पिछले 6 मंथ्स में, या कहिए 2023 के सेकेंड पेपर से, ये ट्रेन 2020 से CDS इसी को फॉलो कर रहा था। तो CDS जिस तरह से क्वेश्चन 3 साल पहले पूछ रहा था वो और अभी भी पूछ रहा है, उस पैटर्न को ही NDA ने 3 साल बाद फॉलो किया। तो इसलिए जो CDS के क्वेश्चंस पर ध्यान रखेगा वो आगामी NDA के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसको सॉल्व कर सकता है। इसका तो ये जीता जागता नमूना है। तो अब इस 50 क्वेश्चंस में हमारा जो टारगेट है वो क्या है? 45+। इसी की बात हुई थी, हमने जो टारगेट रखा वो क्या रखा है? 45+। अब ये 45+ कैसे आ सकते हैं, क्या करेंगे हम इसके लिए? तो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए कि जो वोकैब का पार्ट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था उसमें एटलीस्ट 13 क्वेश्चन को मिनिमम 13 करेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। जो ग्रामर के 15 क्वेश्चन है इसमें पूरी गारंटी है कि अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ाई किया और प्रॉपर क्वेश्चन जो CDS वगैरह के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उसको ठीक से डिस्कस किया तो 15 के 15 सही होंगे, 15 के 15। और ये टारगेट रखना है, ये टारगेट रखना है कि 15 के 15 होने चाहिए, तैयारी उसी के हिसाब से होगा। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है अगर आपने प्रैक्टिस किया तो। 5 ये तो 15, 5, 20 प्लस 13, 33। अब पैराग्राफ, पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप ठीक से आप करेंगे तो कम से कम 5 के 5 ही सही होंगे, उससे कम का कोई स्कोप नहीं है। तो कितने हो गए? 38। अब बचा क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन है, तो इस 10 क्वेश्चन में कम से कम हम टारगेट करेंगे 8। सही होने को 10 के 10 भी हो सकते हैं लेकिन 8, तो इस 8 को इसको अगर ऐड करें तो 46। यही स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे कि जो ग्रामर है, जो टोटल पेपर है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके और अलग अलग सेक्शन का अलग अलग टारगेट रखेंगे, और ये मिनिमम 46 है। मैं फिर कहूं, ये मिनिमम 46 है जो हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम ठीक से काम करें तो 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, और एनडीए का पेपर ऐसा होता है कि अगर आपने दिल से तैयारी की है तो आप 50 के 50 भी सही कर सकते हैं। लेकिन 50 के 50 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर कई बच्चों को थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन 45+ हर उस स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है जिसके पास स्ट्रेटजी है,
जिसके पास अच्छी गाइडेंस है और जो कमिटेड है कि वर्दी पहनना है तो पहनना है, मां की सेवा करनी है तो करनी है, चाहे उसके लिए खून का एक एक कतरा क्यों ना बहा दे। तो अब इस जज्बे के साथ, इस जज्बे के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ स्ट्रेटेजी था, ये तो डिस्कशन था क्वेश्चंस के, और मैं इस क्लास को खत्म करने जा रहा हूं एक कोट से। कोट को पढ़िए, बहुत ही शानदार कोट है। क्या कह रहा है? यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, एंड स्मार्टर देन यू थिंक। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? कि आप जो समझते हैं कि जितने आप बहादुर हैं, आप उससे ज्यादा बहादुर हैं। जितना आप समझते हैं आप उससे ज्यादा बहादुर हैं। आप जितना लगते हैं आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं, और आप जितना सोचते हैं आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो इतने कॉन्फिडेंस आप पे रखिए कि आप जो विश्वास करते हैं उससे ज्यादा ताकतवर हैं, आप बहादुर हैं। आप जितना लगते हैं उससे ज्यादा ताकत है आप में, और जितना आप सोच सकते हैं आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो आप में हर वो काबिलियत है कि आप वर्दी पहन सकते हैं, आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं। तो इस विश्वास के साथ, आप में इस विश्वास के साथ, और अपने आप पर, खुद पर अपने विश्वास के साथ, टाइगर कोचिंग आपके लिए एनडीए के क्लासेस इंग्लिश के लिए करा रहा है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में पूरे ग्रामर के पार्ट या वोकैब के पार्ट या कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट से। जो आप जिस पार्ट से शुरू करना चाहें मुझे बताएं और मैं उस पार्ट से क्लास को शुरू करूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।